हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ चोको चिप्स का वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप ये आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और इसे बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप भी इस तरीके से चोको चिप्स घर पर बनाइए और इसका केक, चॉकलेट, मफिन्स, कुकीज़, आइसक्रीम किसी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एंड तक पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। चोको चिप्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने चॉकलेट कंपाउंड को ऐसे बारीक कट कर लिया है। इस तरीके का कंपाउंड आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे ये डार्क कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर मैंने मिल्क कंपाउंड का यूज़ किया है। अगर आपको डार्क कंपाउंड चाहिए तो आप डार्क कंपाउंड भी ले सकते हैं। अगर इस तरीके का कंपाउंड आपको नहीं मिलता है तो मार्केट में इजीली चॉकलेट मिलती है, कैडबरी, उससे भी चोको चिप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चॉकलेट को मेल्ट करना है। इसे हम डबल बॉयलर के मेथड से मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर एक पतीले में पानी रख लिया है और इसके ऊपर कांच का बाउल रख दिया है और इसमें हमने जो बारीक कट करके चॉकलेट रखे थे उसे ऐड कर लिया है। तो इसे मिक्स करते हुए चलाएंगे, जिससे कि हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ऊपर वाला बाउल नीचे पानी से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे स्टीम मिलेगी तो हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, हमारी चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई है और कुछ देर में ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए, हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर हमने ग्लास में पैकिंग बैग को रख लिया है, तो इसमें हम चॉकलेट को फिल कर लेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट को फिल कर लिया है, छोटा सा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर ले लिया है। तो जिस तरीके से हम मेहंदी बनाते हैं, इसी तरीके से हम कोन को पकड़ लेंगे और छोटे छोटे ड्रॉप निकालते जाएंगे। आप चोको चिप्स छोटे या बड़े अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। थोड़ा सा पुश करना है और ऊपर की तरह उठा लेना है, तो आपकी चोको चिप्स भी बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में, इसी तरीके से हमें इसे बनाना है, पुश करना है और ऊपर की तरह उठा लेना है। इसे आप बच्चों के साथ भी बना सकते हैं, इसे बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो है ना मज़ेदार वीडियो। जब हम भी इस तरीके से चोको चिप्स बनाते हैं तो ये घर पर बहुत सारे बनके तैयार हो जाते हैं और इसे हम घर पर सस्ते में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से हम ढेरों चिप्स बनाकर इसे स्टोर कर सकते हैं। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और आप अपने पसंद से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं, तो आप भी इस तरीके से इसे घर पर ज़रूर बनाइए। तो इस तरीके से हमने सारे चिप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसे हम फ्रिज में रख लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। आप चाहे तो इसे फ्रीजर में भी रख सकते हैं। तो चलिए, 10 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं। तो इसे मैंने निकाल दिया है फ्रिज से, तो आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से रिमूव हो रहे हैं। तो इसे हमने मिनटों में बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने मिल्क कंपाउंड का इस्तेमाल किया था, आप चाहे तो डार्क कंपाउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारे मार्केट जैसे चोको चिप्स घर पर बनकर तैयार है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तो फटाफट से कमेंट कीजिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।